इतना हो गया, यह एक बकरी के लिए काफ़ी है। पुंगा दिखाई, क्लोज दिखाई बिल्कुल, यह एक बकरी के लिए काफ़ी। और मुंह में ठीक ना, नमस्कार दोस्तों, मैं उमेंद्र मौर्य, मौर्य हाईटेक गोट फार्म में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों मैं आज आप लोगों को बताऊंगा, बकरी को खांसी हो जाए तो सबसे सस्ता और सबसे अच्छा दवा। आप देख रहे हैं मेरे हाथ में कैट कप, इसको क्लोज ले लीजिए पंकज जी, बिल्कुल एकदम साफ दिखना चाहिए, दिख रहा ना। तो नाम आप लोग बाद में पूछते हैं, थोड़ा गलत करते हैं, वीडियो को देखिए। और यह 100 ग्राम 100 रुपये मिल जाएगा आपको, मतलब 109 रुपये का है यह, और 100 ग्राम आता है इसमें, ठीक ना। 109 रुपये में 100 ग्राम आपको मिल जाता है, और बहुत ही शानदार ये दवा है। मतलब मेरे फार्म पे तो किसी को सर्दी जुखाम और खांसी इस बार नहीं हुआ है। नहीं होने के पीछे का रीज़न ये है कि हमने सभी को हर तरह का जो देसी इलाज था, जैसे हल्दी खिलाना, एकोनाइट देना, ये सभी चीज़ हमने दिया था सभी बकरियों को। इसलिए दिया था कि इससे इनका इम्यून सिस्टम सही हो जाए। और किसी बकरी को आप देख नहीं रहे होंगे सर्दी जुखाम से पीड़ित, तो एक भी बकरी, सभी बकरियाँ खा रही हैं। मॉर्निंग का समय है और मॉर्निंग में बकरियाँ सर्दी से ज़्यादा परेशान रहती है। देखिए इसने अपना वाला उधर कर दिया है और उसका वाला खींच लिया है खाने के लिए। देखिए ये भी देसी बकरी है। एक भी बकरी को सर्दी जुकाम आप नहीं पाएंगे, एक भी बकरी को, ना बच्चे हैं उधर ना बच्चों में हुआ। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा। सपोर्ट करने का यही है कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सब्सक्राइब करेंगे तो बकरी पालन रिलेटेड, बकरी में कौन सी बीमारी होती है, क्या खिलाना है, क्या पिलाना है, वो सारी वीडियो आपको मिलती रहेगी चैनल पर। हुआ है ना बकरियों में, किसी को नहीं हुआ है। और इसके पीछे का रीज़न है कि आप सप्ताह में कम से कम 2 से 3 दिन पर बकरी पर 10 ग्राम हल्दी दीजिए, ठीक ना। और एक इकोनाइट दवा के बारे में मैंने बताया था, चैनल पर वीडियो है, मोस्ट पॉपुलर वीडियो में जाएंगे तो मिल जाएगा वो दवा। शाम को बड़ी बकरी को 5 बूंद, छोटी को 2 बूंद दे देंगे। चैनल पर वीडियो है, कृपया मैसेज ना कीजिएगा, आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। अब इसको देना कैसे, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। देखिए चटनी होता है, कट कप जो होता है चटनी होता है, तो चटनी होता है तो इसको हम फाड़ेंगे, क्योंकि हम सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए लाए हैं और इसको हम यूज़ भी करेंगे। किसी को हुआ तो नहीं है लेकिन हम इसको यूज़ करेंगे। देखिए आप पंकज जी पास दिखाइए, मेहंदी होता है ना, मेहंदी वैसे होता, देखिए यही वो दवा है, ठीक है। देखिए यह है कैट कप, इसकी डिब्बी है या कैट कप है, ठीक है, इसमें होता है। तब इसको आपको एक कार्नल से फाड़ना है, ठीक है ना। यहाँ सब इसको फाड़ लेंगे, ठीक है ना, ये फट गया है। अब फाड़ने के बाद आप 10 से 15 ग्राम एक बकरी को देना है, मतलब 10 से 15 ग्राम का मतलब हो जाएगा, या आप निकाल लिए ऐसे कर लीजिए, ठीक है, इतना हो गया। यह एक बकरी के लिए काफ़ी है, पंगा दिखाई, क्लोज दिखाइए बिल्कुल, यह एक बकरी के लिए काफ़ी है। अब देना कैसे है मैं उसको बता रहा हूँ, इसको थोड़ा अंदर कर लिया जाए, है ना, इसको पकड़िए। अब देना कैसे हो गया, अब बकरी को इसको खिलाना है। इसको कुछ नहीं हुआ है लेकिन मैं इसको देख कर दिखा रहा हूँ आप लोगों को, आपको ऐसे करना है और मुंह में ठीक ना ऐसे डालकर तालू में, देखिए पंगा दिखाइए, इसको तालू में मैंने इसके चिपका दिया, ठीक ना। अब तालू में चिपका लेंगे वो चाट जाएगी पूरा, ठीक। अब चाट गई, अब जो बच्चा है उसको भी आप उंगली डालने के बाद उसको मुंह में ऐसे पोंछ देंगे। देखिए दांत के नीचे आपका हाथ नहीं जाना चाहिए, ठीक ना, दांत के नीचे नहीं जाना चाहिए, और ऐसे खिला देंगे। इससे खांसी जो है बकरियों की वो 100% सही हो जाएगी, और बहुत अच्छा है। जो मैंने आप लोगों को डोज बताया था उसी डोज के हिसाब से आपको सुबह दोपहर शाम देना है। ये आप देख ही रहे हैं, इसके अंदर से कैट कप है, ये डब्बा है, ऐसे निकलेगा, ठीक ना। तो जैसे मैंने आपको बताया है, अब दोबारा इसको पैक करके रख सकते हैं आप। इसको मोड़ लीजिए, मोड़ने के बाद इसी डब्बे में डालकर आप रख लीजिए। कार्नल से फाड़ना है, फाड़ने के बाद अब दोबारा इसको कस कर तैयार हो गया आपका। जिस भी बकरी को खांसी की समस्या हो, कैट कप इसका इमेज मिल जाएगा। इसको लाकर आपको 10 से 15 ग्राम जितना मैंने निकाला था, मतलब ये उंगली की गिरा जितनी है, इतना ही मोटा आपको निकालने के बाद दे देना। थोड़ा ज़्यादा भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, आयुर्वेदिक है, ठीक ना। कैट कप जो है आयुर्वेदिक है, कैटल रेमेडी का बहुत अच्छा है, और इसका यूज़ आप ज़रूर करें, क्योंकि इसको करने से सर्दी खांसी जुखाम की जो समस्या है बच्चों में बकरियों में नहीं होगा, और देख भी नहीं किसी बच्चे बकरी या किसी को भी सर्दी जुखाम की समस्या नहीं हुई है, ठीक ना। ओके, धन्यवाद।